वालेकुम पहले तो मैंने आ, ये आपसे बताना था कि डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इम्पोटेड गवर्नमेंट के आ, आपके सूबे के से इलेक्ट हुए हुए जिन्होंने सूबे में तो कुछ किया नहीं पंद्रह साल में लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बन गए ज़िंदगी में बगैर कुछ काम किए वो अपनी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर या चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ उनकी टीवी पे कोई बातचीत चल रही थी तो वो बैठे तो है ना फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पे तो मैंने कहा मैं उनको बात करने दूँ वरना वो लाइफ कट उनका फिर कट जाता तो उनकी भी बात सुन लेनी चली जिसके लिए माजरत मैं जी आ, मीडिया वालों आप सबका शुक्र गुजार हूँ दोबारा जब भी हमने कॉल दिए आप सारे तशरीफ लाए हैं मैंने कल से क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाला है उसकी भी बात करनी है जो यहाँ हालात हैं गवर्नमेंट के जब से ये इम्पोर्टेड इलीगल इलेजिटमेट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब से आई है उसके ऊपर भी बात करनी है लेकिन सबसे पहले मैंने कोई नेशनल इशूज़ पर बात करनी है आपको पता है कि जब से ये फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज करा के इकतदार बैठी है मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं तबाही हो चुकी है सबकी रिपोर्ट्स अब आ गई हैं सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सारे इंस्टीट्यूशन की कि जी मुल्क छः परसेंट की जी डी पी पे ग्रो ग्रो हो रहा था जी डी पी ग्रोथ छः परसेंट पर पहुँच गई थी आ, हर चीज़ डायरेक्शन पर आ गई थी और ये सब उसके बावजूद के दो सवा दो साल तकरीबन ढाई साल जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान इंक्लूडेड कोविड की वबा के अंदर फंसा रहा और एक इकनॉमिक कंडीशन माशी हालात पूरी दुनिया के तबाह हो गए लेकिन पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रहा था इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ के आ, की वजह से जिस तरह कोविड हैंडलिंग की सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है वो बिल गेट्स भी आगे तारीफ़ कर गया कि दुनिया को सीखना चाहिए कि कोविड की हैंडलिंग पाकिस्तान में कैसे हुई और बाकी दुनिया सीखे हमसे <coughs> फिर भी पाकिस्तान ग्रोथ रेट तरक्की करा था टैक्स कलेक्शन हमने जब हम आए थे मार्च 2018 हज़ार अगस्त दो, आ, दो में तो उस वक्त क्या थी तीन ट्रिलियन की थोड़ा सा ज़्यादा और 2022 मार्च 30 को 6.1 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी एक्सपोर्ट जब हम आए थे तो चौबीस या सात बिलियन डॉलर थी अभी इकतीस तकरीबन बत्तीस बिलियन डॉलर पे पहुंच गई टैक्स रिफंड जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका रिफ़ंड तकरीबन मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूं वो तो टैक्स रिफंड चला गया जब हम आए थे उस वक्त था समझो एक सौ पचपन बिलियन रुपया तो तीन सौ बाईस तकरीबन तीन सौ बिलियन पे पहुंच गया यानी कि एक सौ दस फीसद इंक्रीज हो गई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी मशीनरी जो इंडस्ट्री लगती है जैसे नौकरियां मिलती हैं वो साढ़े पाँच परसेंट पे थी वो पंद्रह परसेंट पर पहुंच गई गंदम की पैदावार जो कि पच्चीस अशारिया दो मिलियन टन थी वो सत्ताईस आशारिया पांच मिलियन साढ़े सत्ताईस मिलियन टन पे पहुंच गई चावल की पैदावार साढ़े सात मिलियन टन से बढ़ के सवा नौ बल्कि नाइन पॉइंट थ्री नौ आशार्य तीन मिलियन टन पे पहुंच गई गन्ने की पैदावार तकरीबन चौरासी मिलियन से बल्कि चौरासी से थोड़ा कम यहाँ तकरीबन एटी नाइन मिलियन टन पे पहुंच गई स्टेट बैंक के रिजर्व आपको पता है कि ये तबाही हुई भी है डॉलर रुपया गिरता चला जा रहा है और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं स्टेट बैंक के रिजर्व में 77 फीसद इंक्रीज था यानी कि मार अगस्त 2018 में नौशारिया आठ बिलियन था और नो no कॉन्फिडेंस की मूव आने से पहले यहां 17 बिलियन पे पहुंच गया था और जब गए मार्च में उस वक्त भी साढ़े ग्यारह बिलियन था अब हाल क्या है आपने देख लिया इवन चीनी चीनी में भी पंद्रह चीनी की प्रोडक्शन में पंद्रह फीसद इंक्रीज हो गया छह नए डैम अनाउंस हुए और हर तरह से चीज़ें ठीक ठीक हो रही थी और ठीक तरफ जा रही थी एक करोड़ नौकरियों का वादा किया था इन्होंने पांच साल की हुकूमत में पचपन लाख नौकरियां दी तो हमने साढ़े तीन साल की हुकूमत में जो जो एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट हुआ वो छप्पन मिलियन छप्पन लाख था यानी कि वो साढ़े तीन साल में हमने पाँच साल से ज़्यादा किया और अगर ये डेढ़ साल पूरे होते तो ये एक करोड़ से ऊपर चले जाना था क्योंकि कोविड का ख़त्म हो गया था सिलसिला और गेम इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ चल पड़ी थी इन्होंने आगे तमाशा जो किया है इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक है ना इनसे इकोनॉमी समझ रही चल रही है यानी कि सादार वहाँ से बैठ के कहता है कि जी मिफ्ता इस्माइल आ, नहीं चला सकता फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता वो आगे कहता है कि जी मिफ्ता इस्माइल का भी मैं बता दूं कि साढ़े तीन साल टीवी के ऊपर वो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है साढ़े तीन साल झूठ बोलता रहा टीवी पे पर बैठ के कि जी हालात ख़राब हैं हालात ख़राब हैं हालात ख़राब हैं उसकी अपनी कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस आसमान पर चलेगी यानी कि खुद पैसे कमाई जा रही थी उसकी कंपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज यानी कि अपनी कंपनी में फ़ायदा हो रहा है मुनाफा हो रहा है बाकी आगे टी के ऊपर बैठ कर होता रहता था झूठ बोलता था सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग उसका धंधा है इस्माइल इंडस्ट्रीज का अफगानिस्तान से वो मैं इन मैं कहते आ रहा हूँ मैं इन चंद दिनों में वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ पूरी कौम को बताऊंगा कि इस्माइल इंडस्ट्रीज अफ़गानिस्तान से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करती है ये <coughs> इनके अपने मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं कि इनसे नहीं संभल रही हाकान नब्बा साहब ने उस दिन टी वी शो में कह दिया ख्वाजा आसिफ ने कह दिया असम्बली के ऊपर जी जल्द इलेक्शन गिरा देने चाहिए वो मरियम नवाज़ ने भी जल्द से कह दिया कि जी हम इलेक्शन कराएंगे और उन्होंने एक बात और ऐड की फरमाती हैं कि इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला नवाज शरीफ साहब लंदन से करेंगे यानी कि पहले अल्ताफ़ हुसैन लंदन से फैसले करता था अब नवाज शरीफ भी लंदन से फैसले करेगा इनको कुछ नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है मुल्क किस तरफ जा रहा है खाई में ले गए हैं पूरी कौम को तबाही की तरफ ले गए मीशत को तबाही की तरफ ले गए लोड शेडिंग बढ़ गई है जब नून लीग की हुकूमत आई है पाकिस्तान की तारीख में ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ चेक कर लें आप जब भी नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आई है हमारे सूबे में पानी का मसला खड़ा हो जाता है इसकी भी मुझे समझ में नहीं आती कि सूबा सिंह में क्या पाकिस्तानी लोग नहीं रहते हमारा हारी पाकिस्तानी नहीं है तो यहाँ पानी का मसला तुम्हारी हुकूमत में क्यों आता है ऊपर सोने पे सुहागा देके के साहब कराची में बैठे हैं आते के साथ ही हुकूमत में कराची जो है कि माशी हब है शहर रग है पाकिस्तान की माश की वहाँ तीन सौ पचास मेगावाट बिजली जो हमने ज़्यादा कराची को दी थी वापस से लेके ताकि कराची के अंदर मीशत का पहिया चलता रहे इंडस्ट्री चलती रहे और नई इंडस्ट्री लगती रहे ताकि नौकरियाँ क्रिएट होती रहें नौकरियाँ बनती रहें वो साढ़े तीन सौ मेगावाट बिजली भी काट दी अब इनको समझ में नहीं आ रहा तेल की कीमत आसमान पर चली गई है इनकी बात इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कीमत बढ़ाएं तो इनकी गले में पड़ती है वाम और ना बढ़ाएं तो मुल्क दिवालिया निकल जाएगा ये फंस गए दलदल में अंग्रेजी में कहते हैंक सैंड कॉक मायर में फंस गए दलदल में फंस गए जाके इनको पता नहीं करना क्या है लोड शेडिंग लोड शेडिंग तो मैंने जैसे बात की बढ़ गई कराची में भी तबाही हो चुकी है शक्कर में तो मैं भी कल से देख रहा हूँ नवाबशाह गया मैं घम्बट गया खैरपुर गया इधर आया शक्कर गया तो वो लोड शेडिंग तो ऐसी हो रही है कि मतलब बिजली बंद करके डीजल खरीद के जनरेटर ही चला हैं। इनके बस की बात नहीं है पहले कहते थे पहले कहने लगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से निकल के कि हाँ मुदाखलत हुई है मुदाखलत को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस। आप किसी के घर में मुदाखलत करोगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि मेरे घर में मुदाखलत क्यों कर रहे हो कहते हाँ बैरूनी मुदाखलत हुई है साजिश नहीं हुई फिर क्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फरमाते हैं कि मुदाखलत हुई है और धमकी भी दी लेकिन साजिश नहीं हुई भाई मुदाखलत भी हो गई धमकी भी हो गई अब राजा बाजार से या उर्दू बाजार से स्टैंप पेपर खरीद के अमरीका बहादुर लिख के देगा कि हाँ हमने साजिश भी की साजिश तो तुमने की उनके साथ मिलकर साजिश ही तो तुम हो लेकिन इस सारे इस सारे घन चक्कर का जो मास्टर माइंड है जो हमेशा पतली गली से बच के निकल जाता है मैं क्लियरली उसका नाम लेना चाहता हूं उसका नाम है आसिफ जरदारी वो शबाज शरीफ में इतनी अकल नहीं है ये जो बेम्बिनो सिनेमा के टिकट बेच बेच के सदर बन गया पाकिस्तान का पता नहीं किस तरह एक पर्ची के ऊपर के जी मुझे विरसे में मिल गई पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने पीपल्स पार्टी खत्म करके अब जरदारी माफिया बना दी है ये पीछे से सारी गेमें कर रहा है और सबको गलत लाइन पे लगा रहा है बेटे को उसने अपने आगे लगा दिया इधर उधर पता नहीं जाके हाथ बांध के, के बिल्किन के सामने खड़ा हो गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सारी वही बातें कर दी वहाँ बैठ के जो खान साहब और तरीकन साहब की हुकूमत की पॉलिसी थी यानी कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में हमने कहा जी हम हम बीच में नहीं पड़ेंगे हम हम आ, किरदार अदा करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में जंग ख़त्म करने में हम किसी की साइड नहीं लेंगे इसने भी वही कह दिया ये भी कहता है कि जी खान साहब जब गए थे प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर रशिया मैं वो भी ठीक था मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता वो सबसे मुशावरत करके गए थे तो फिर गलत क्या था <coughs> गलत बता तुम <थुं> क्या था <coughs> गलत ये था कि अगर हमारे पाँच साल पूरे हो जाते इन्होंने सारों ने करप्शन में पकड़े जाना था इनके सारे केसेस बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए थे और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं जिस तरह के लोग पिछले तीस साल में इंडक्ट हुए हैं हर इदारे में वो इन्होंने अपने खास चुन के मैं उस पर भी आऊँगा जो लोकल बॉडीज के ऊपर जो भी हो रहा है चुन चुन के इन्होंने अपने घर के नौकरों को और पता नहीं किस किस को इधारों में लगाया हुआ और ये पेड लोग रखे हुए तो वो आगे से आगे लंबा से लंबा होता जा रहा था आसान काम नहीं था लेकिन फिर भी सारे केस बनाए हुए थे इनके ऊपर एक दूसरों के ऊपर इन्हीं की हुकूमतों ने हमने तो सिर्फ एक वो मकसूद चपरासी का केस बना के दिया था और वो भी बिल्कुल कंफर्म ब्लैक एंड वाइट है सुफैद और काला उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शरीफ फंस गया इनका ये प्लान था कि जनाब वाला क्योंकि पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है मीशत ठीक तरफ जा रही है थोड़ी इन्फ्लेशन यानी महंगाई थी लेकिन वो पूरी दुनिया की ग्लोबल फिनमिना था और उसी लिए खान साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर गए थे रूस जो कि आज हिंदुस्तान रूस से तेल गैस और गंदम 30 फीसद कम बाजार मार्केट की इंटरनेशनल मार्केट से कम पे ख़रीद रहा हमें भी वो ऑफ़र थी वो पाकिस्तान की आवाम के लिए गए थे कि अगर आपको यानी कि हम सब को पाकिस्तानियों को तेल कम कीमत पे मिलने को देने को तैयार है रूस गैस कम कीमत को देने को तैयार है रूस गंदम गम कीमत में देने को तैयार है रूस तो ये पाकिस्तान की अवम का भला था इमरान खान के तो कोई पेट्रोल पंप नहीं लगे हुए तो ये तो अवाम का भला होता उसमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए